सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, जो हमारा अधिकार है हम तो डालने गए हैं, सारे के सारे चले गए। बच्ची के लिए छत्रछाया मिल जाए, बल्कि तुम जगह दिला दो, बनाना का काम हमारा। यहाँ आधा एक अधिकारी आया था तो उसकी वजह से हमको राशन मिलता है आधार कार्ड। परेशानी कहीं भैया, अपन तो मेहनती आदमी है, जितना मिल जाए इतना खा ले। नहीं तो आपने सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं कराया? वो सरकारी में क्या है, मेरे राजस्थान में थे तो मैंने वो प्राइवेट में थोड़े बहुत पढ़ा ले तो इनको थोड़ी शिक्षा आ जाएगी। बच्चे बच्चे खा लेते, हमारा पेट भर जाते, बस और एक आदमी आता है ड्रम लेके जो पानी जरूर भर जाता है। तो शादी ब्याह तो दो महीने चलने का बंद हो जाते हैं, फिर बंद हो गए सर। करते हैं और क्या करते हैं। दो 500 रुपए लाते हैं गांव में से, कैसे भी करके गुजारा करते हैं। हमारा बच्चे बच्ची पढ़ रहे हैं प्राइवेट में यहीं। हेलो नमस्कार, मैं अमित हयारन द खबरदार न्यूज से। आज हम भोपाल की एक ऐसी सच्चाई आपको दिखाने वाले हैं, एक ऐसी खबर आपको दिखाना चाह रहे हैं जिसको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि एक मजदूर वर्ग किस तरह की जिंदगी जी रहा है, कितनी मजदूरी कितनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास कर रहा है उसको कितना सरकारी लाभ या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज हम उनकी जवानी उन्हीं से ये बातें जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आइए। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र कहाँ के रहने वाले? राजस्थान 12 जिला। राजस्थान 12 जिला। जिला यहाँ कब से आप भोपाल में? यहाँ कम से कम 15 साल हो गए। तो 15 साल से यही ऐसे ही रह रहे हो? ऐसे ही रह रहे सर जी, क्या बताएं। आप काम क्या करते हो? ढोल बजाते हैं शादी ब्याह में। तो शादी ब्याह तो दो महीने चलने का बंद हो जाते हैं, फिर बंद हो गए सर जी। करते हैं और क्या करते। तो बच्चे कैसे पाल रहे हो, घर कैसे चलाते हो, ये सब? अब कैसे नहीं, पढ़ाई भी चल जाते है सब मेरे तो, नहीं भाई साहब के बच्चे तो अभी हाल फिलहाल। इतना खर्चा निकाल लेते हो कि भोपाल में अपना परिवार चला? खर्चा तो नहीं निकालते हैं, 2-500 रुपए लाते हैं गांव में से, कैसे भी करके गुजारा करते हैं। हमारा बच्चे बच्ची पढ़ रहे हैं प्राइवेट में यहीं, ये अपने जो पेंट्रो पंप के बगल में स्कूल है इसमें पढ़ रहे हैं। इसके 3,000 रुपए पैसे महीने के जाते हैं बच्चे बच्ची की तनख्वाह भी। तो सरकारी स्कूल में तो सरकार फ्री पढ़ा रही है बच्चों? सरकार में नहीं, मैं प्राइवेट में पढ़ा रखा हूँ यहाँ सर जी। बात वो है, नहीं तो आपने सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं कराया बच्चों? बहुत सरकारी में क्या है, मेरे राजस्थान में थे तो मैंने वो प्राइवेट में थोड़े बहुत पढ़ा ले तो इनको थोड़ी शिक्षा आ जाएगी यार। तो क्यों पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को? यो पढ़ा रहे हैं कि अपन विवश नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, अपना तो हो गया ढोल का, जितना काम करना था उतना तो कर लिया अपन ने, अपनी जैसी जिंदगी अपन ने जी ली, अपने बच्चे वो जिंदगी जिलाना चाहते हैं अपन, बस अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे भी लाके इनका बच्चे बच्चे का पेट पल रहे हैं। तो ये जितने घर बने आप सब एक ही गांव के हो? नहीं, ये निमावर साइड के हैं, मैं राजस्थान का हूँ। अच्छा, निमावर मध्य प्रदेश, निमावर नर्मदा जो किनारे है। इनके भी, इनके पास में मैं भी आ गया 15 साल से, यही ढोल की दुकान रखी है मैंने, जो ढोल सड़क के उस पार रखे हैं आपके रखे मेरे पास रखे हैं बाबूजी। हमारे यहाँ आके कोई परेशानी नहीं होती आपको बारिश में तो परेशानी तो होती है, अब क्या करें? मैं किसी को बताया भाई परेशानी हमारे में, तो अब दूसरे तो हमारी परेशानी सोल्ट करे नहीं। और लाइट वाइट की सुविधा? लाइट की सुविधा है 200 रुपए महीने देते। किसको देते हो 200 रुपए? वो लाइन मैन को देता है, उन्हें आपको लाइट लगा के दी है? लाइट लगा के दी है। बाकी फिर जैसे अब जैसे बारिश का टाइम होता है तो बारिश के टाइम पे भी यही रहते हैं, यही गुजारा करते हैं, और तो क्या है सर जी। तो अब जैसे आप ढोल का सीजन तो खत्म हो गया, 2 महीने के लिए बंद है, फिर क्या करोगे बच्चे? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं बस, कोई मेहनत पर भी चल जाते, जैसा काम आ जाए वैसा। हम दीदी से बात कर सकते हैं? हाँ, है ना, बिल्कुल। आप बताइए। हाँ, मुंह ढाक लो आप। आप बताओ, अच्छा आप जे आपके मर्द और आपके भाई है ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है हिंदी अच्छे से? ये आपके यहाँ के ये मर्द जब कमाने चले जाते हैं तो आपका इतने से में गुजारा हो जाता है? हो जाता है ना, मतलब घर के सब काम अपने अच्छे से चल जाते हैं। गुजारा तो क्या है, पेट पालन होता है, पेट पर बच्चे बच्चे खा लेते हैं, हमारा पेट भर जाते हैं बस। अच्छा, बस और क्या चीज। तो आप लोग भी कुछ काम करते हो? नहीं, हम तो कुछ खाली बच्चे और घर संभालना, बस यही। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा जिस जिंदगी अपन ऐसे जी रहे हैं तो जिंदगी में बच्चों का भविष्य खराब हो जाए? क्या करे, कोई सरकारी मदद वगैरह कुछ नहीं मिलती आपको? नहीं, यहाँ इस रोड से बहुत से सरकारी गाड़ियां गुजरती हैं, किसी ने रोक के आज तक पूछा आपसे? देते हैं ना, कोई खेती तो देते हैं। हाँ, बाहर हो जाते हैं, कोई आके कुछ थोड़ा बहुत दे जाता है क्या? नाज वगैरह ऐसे जैसे मिल जाते तो कोई आ जाते तो दे जाते, ना आते तो दे रहा हूँ।
और वो एक आदमी आता है ड्रम लेके जो पानी जरूर भर जाता है। अच्छा, तो रोज आता है पानी देने के? पर दो दिन रोज पानी आपको फ्री भर के देखे जाता है? दो दिन मतलब टैंकर आता है। तो सरकारी है कि प्राइवेट टैंकर है? सरकारी। सरकारी टैंकर, तो वो आपको रोज पानी देके जाता है? और ऐसी कोई परेशानी जो आपको यहाँ रह के हो रही हो? परेशानी कहीं भाई, अपन तो मेहनती आदमी है, जितना मिल जाए इतना खा लेंगे अपन। तो गांव में जो आपके राजस्थान में तो जो सरकार है वो तो इतनी सुविधा। अच्छा, आप इधर के रहने वाले हो? मालवा के हूँ। अच्छा, नीमच? अरे नीमच नहीं, सुजालपुर को तो मायको है। सुजालपुर? हाँ, सुजालपुर पास में। और ये राजगढ़ जिला। राजगढ़? हाँ। तो वहाँ क्यों नहीं रहे राजगढ़ में? तो अरे भैया, मेरा आदमी बीमार रहता है, वो अभी पड़ा है। उनकी वजह से आप यहाँ भोपाल रह रहे हो? उनका इलाज क्या हो रहा है? और इलाज वो मतलब दम की बीमारी। अच्छा, तो वहाँ इसका इलाज नहीं हो पाता हुआ, इसलिए आप यहाँ से यहाँ आना पड़े, बार बार आना पड़ता है, इसलिए यहाँ रहता है। तो यहाँ सरकारी अस्पताल में चल रहा है इलाज? नहीं, सरकारी नहीं, सरकारी को तो उनके लगे ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो कहाँ इलाज करवा रहे हो? ये किसके? तो उनकी तो फीस बहुत होगी? उनकी फीस तो है ज्यादा, आप क्या करते हैं? तो फिर इतना पैसा कैसे आप कहाँ से निकाल पाए? अरे ऐसे ही है कि मजदूरी करते हैं हमारा कैसे भी करके गुजारा, वो तो कुछ नहीं सर जी, यही है हमारा। तो नहीं, तो आप जैसे इनको अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो सरकार इनको वजीफा भी देगी, इनकी पढ़ाई का खर्चा भी देगी, और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आगे की पढ़ाई का भी फलो। प्राइवेट ऐसा है कि ये जल्दी शिक्षा मिल जाएगी, थोड़ी बहुत शिक्षा मिल जाएगी तो सरकारी में डाल देंगे अपन, अपना कहना ही है। ये पढ़ता है आपका छोरा स्कूल में? क्या नाम है बेटा तेरा? लखन। कौन सी क्लास में पढ़ता है? षष्ठी में। कौन से स्कूल में जाता है? हाँ? कौन से स्कूल? नहीं, नाम बता स्कूल का। गांव में है। नहीं, कौन से गांव के स्कूल में? इनका लड़का ही मेरा नहीं है। एजियन पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो यहाँ काहे के लिए आए? छुट्टी मनाने? यहाँ ढोल बजाने आया था। तुम ढोल बजाते हो? तुम आते ढोल बजाने? आता है ना, सुन के देखो। अब वो कर दे बोल। दाबी से तुम ट्रेंड होगा उसमें। चलो, अच्छा कोई एक पोएम सुना हमको जो तुमको आती है तुम्हारे स्कूल में। मुझे क्या आता है स्कूल में, क्या सीखा? अच्छा तुमने बताओ, ऐसे कोई चीज जो स्कूल में सीखी हो? नहीं सीखी मैंने। तो फिर क्या करा बेटा, क्या पढ़ते हो स्कूल में? ढोल बजाना सीखा मैंने। स्कूल में ढोल बजाना सीखा? ढोल बजा के जो पैसे मिलते तुम रखते हो कि घर में दे देते? घर में दे देता हूँ। अच्छा, और जैसे खुद को जरूरत पड़ती है तो? जब 50 रुपए लेके जेब में रख देता हूँ। वाह यार, होशियार बच्चा है ये तो बिल्कुल। खाने पीने का तो सही, थोड़ी बहुत जगह मिल जाए तो वो बहुत बड़े अच्छी है यहाँ पर, और क्या है। तो आपके पास राशन कार्ड आधार कार्ड वगैरह है आप लोगों के? आधार कार्ड तो है, पर राशन कार्ड बनाना है और क्या। ऐसे राशन कार्ड में नाम वगैरह सब जुड़ रहे हैं इससे तो? यहाँ पर आपका नाम जुड़ गया राशन कार्ड में? यहाँ नहीं जुड़ रहे। अच्छा, नहीं, आप कह रहे हो मैं 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ कितने टाइम से रह रहा हूँ इस जगह? यहाँ से तो 15 साल हो गया हमारा बड़े भाई साहब को। अच्छा, 15 साल आपको इस जगह पर रहते हुए है, तो 15 साल में आपका राशन कार्ड वगैरह में नाम नहीं आया? राशन कार्ड में नाम नहीं आया मेरा गांव से नाम वहीं से मिलता है, यहाँ राशन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको जैसे आधार कार्ड वगैरह तो बनवा लिया होगा? यहाँ का नहीं, राजस्थान का है मेरा, सब राजस्थान का ही है। वहाँ से इधर जो जगह मिल जाए तो मैं हाथों हाथी करवा लूंगा यहाँ। तो यहाँ आप जैसे यहाँ का जो पंचायत भवन है, जो पंचायत है, उसमें कभी आप गए उनसे बातचीत? नहीं गया सर जी, क्यों झूठ बोले। अब कोई जाए तो अपन भी जाने का वो अधिकार करे, अब कोई इधर की पब्लिक कोई जाती नहीं है तो अपन भी कैसे चल जाए। कभी कोई अधिकारी या कोई ऐसा पूछने आया आपको कि आप यहाँ रह रहे हो, सरकारी जमीन है तो आपको यहाँ से हटाने के लिए उन्हें बोला हो? हटाने के लिए तो काफी आते हैं, ये सरदार जी की जमीन है वो आते रहते हैं, उड़ जाओ। अभी नहीं उठे जब तक रोड नहीं आएगा, जब तक हम भी नहीं उठेंगे यहाँ से। रोड आएगा कहाँ तो मिलेगी, हम नहीं ये सोच रखे कि कहाँ जुगे दे दे तो अपन भी। लेकिन सरकार अगर मानो कल को आपको जमीन देती किसी जगह पे बसाती तो आप जाओगे हमारे? नहीं, वहाँ जाने के लिए तैयार है हम सभी, हम जाने के लिए तैयार, हमारा धंधा चल रहा है, हमारा गुजारा है, हमारी पेटी रोटी को छोड़ के। तो आप यहाँ सरकारी पंचायत भवन में जाके अपना नाम जुड़वाओ, हो सकता है आपके बच्चों को यहाँ पे स्कूलों में एडमिशन मिल जाएगा, आपको राशन मिलने लगेगा। सर राशन तो मिल रहा है मुझे, यहाँ भी मिल जाता है, रतनपुर से ले लेता हूँ मैं राशन। राशन तो मिल जाता है, राशन मिल जाता है अपने लिए, महीने के लिए राशन मिल जाता है, कहीं से भी ले लो राशन। तो ऑनलाइन हो गई आजकल, ये तो आप जानते हो। अपन ये सोच रहे कहाँ कहाँ अपन को जगह मिल जाए तो बढ़िया, भगवान किसी का कहने से किसी का गंदा पानी। कल चुनाव में वोट डाला था क्या आपने? यहाँ किसी को वोट डाला? या नहीं डाला मैंने, 26 तारीख को राजस्थान डालने, राजस्थान गए थे वोट डालने के लिए। आप उन लोगों में से हो जिनने देश के लिए इतना काम तो करा कि अपना वोट डालने इतनी दूर गए, आज लोग यहीं के यहीं वोट डालने नहीं जाते हैं। अपन ने सीजन छोड़ दिया, 26 तारीख की बुकिंग नहीं ली, 26 तारीख का सवा वोट था, अपन ने गए नहीं।
भाई सावा में नहीं गए अपन, ढोल बजाने के लिए नहीं गए, राजस्थान गए, अपनी फैमिली में 50 वोट है अपने। किसको वोट दिया राजस्थान? अब राजस्थान में बीजेपी को दिया अपन ने। क्यों दिया बीजेपी को? क्या काम अच्छा लग रहा है? सारा इनका अच्छा काम है, अपन को कुटी दी राजस्थान में एक। अच्छा राजस्थान में है आपके? कुटी है पापा के नाम से, हमारे नाम से नहीं आई कुटी। अच्छा अपन आई है, मैं दो दो मकान जैसे। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर जो लाडली बहना योजना की योजना चल रही थी उसमें आपका नाम आया, तो सर्वे करवाया आपने? यहाँ पे नहीं हुआ उसका सर्वे, नहीं हुआ वहाँ। अभी सरकार और भी योजनाएं चला रही है लेडीजों के लिए, जो सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं, जो आप लोग झाड़ू बुनने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को भी उस श्रेणी में रखा है कि सरकार आपको 10,000 का लोन देगी और अगर आप उस लोन को पटाओगे तो वो 10 से 20 का लोन कर देगी, आपको पता है? हम ये शिवराज मामा से कहना की उम्मीद है हमारे, अब तो मोहन मामा आ गए, शिवराज मामा चलेगा। शिवराज मामा ने बहुत अच्छा किया था इधर, अच्छा किया है हमारे लिए, उनकी उनकी छत्र छाया में जी रहे हैं हम, ऐसा हमारा कहने का मतलब है। जी जी बिल्कुल सही बात है कि इनकी जो इनने जो करा इधर की एमपी की क्षेत्र के लिए, तो सब कुछ अच्छा ही किया इनने, कोई बुरा नहीं किया इनने। और हम भी तो फिर भी यह चाहता है कि शिवराज मामा फिर आ जाए बैठने के लिए कुर्सी पर, फिर इनकी आ जाए। मोहन यादव वो भी सही है, कितनी सी कहना है हमारा। आप कहाँ तक पढ़े हुए? नहीं पढ़ा नहीं हुआ सर जी, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको हर चीज की नॉलेज है। आजकल पढ़े लिखे बच्चों को नहीं मालूम मुख्यमंत्री कौन है, कौन था, कौन आ गया, उसका पता नहीं रहता। ये हमारे शिवराज मामा जेत के रहने वाले हैं, पहले बक्सरा से थे, बक्सरा में राजकुमार पटेल थे, उनने भी खूब चुनाव लिया। मैं भाट हूँ, जाति समाज का भाट हूँ मैं। मैं भी कविता जोड़ रहा हूँ कि हमारे राजस्थान में रंगीला राजस्थान इसलिए बोलते हैं हम। हाँ हाँ, ये कहा कवि तो सुनाओ हमें जो को आपको आती है अच्छी से बढ़िया, ढोल पे बजा के आप सुनाते हो। अब शादी ब्याह में तो सुना, दो लाइन सुना दो बस। सुना जनक से सुना जनक जी, हमारे गरीब आदमी की भी सुनाई करो। हाँ पहले सुना बाजे वाले, पीने का कुछ ही नहीं है, कविता सुना जा बाजे बनने सुना। चलो आप दो लाइन सुना। ये किरार धाकड़े जो अपने जेत के रहने वाले हैं, साहु मुकड़ो आप कमाओ आपको सारो काकड़, रुखा रुखा में चनल बड़ो मनखा में बड़ो धाकड़। ये नागर वंश के राजा है, हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं। शिवराज भैया भी यहाँ के नहीं है, रहना इनका राजस्थान ही है। अच्छा राजपूत है वो भी? नहीं नहीं राजपूत नहीं, किरार है। किरार हाँ, किरार किरार धाकड़, किरार धाकड़ है। तो इनसे कैसे योजना, तो हमारे लिए मालीवाया में भी, मेरी पहले मालीवाया रहता था मैं, सलकनपुर मालीवाया, काफी साल यहाँ ही हो गए, तो यहाँ धंधा पानी चलने लग गया, ढोल वगैरह शादी ब्याह में चल जाते हैं, छोटे मोटे काम बजा लेते हैं यहाँ, तो हमारा गुजारा हो जाता है। कितने पैसे लेते हो एक शादी में ढोल बजाने के? शादी का तो ऐसा रहता है जैसे 10 ढोल 15 ढोल जितने ढोल मांगेंगे उतने ढोल लगाना पड़ता है, तो एक शादी का 8,000 9,000 10,000 के समथिंग ले लेते हैं। मतलब एक बारात और उसका जो निछावर वगैरह मिलता है वो अलग है, निछावर पानी मिलता है। तो आप कुल मिला के यहाँ पे एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं बस सरकारी सुविधाओं के बिना। चलो हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि साहब आप लोग जल्दी से जल्दी अपने स्थायी सरकारी निवास मिल जाए आपको। बस इतना सा कि हमारा तो कहना है इनका गुन्नी गाएंगे। आप पंचायत स्तर पे कोशिश करो, आपको हो सकता है आगे आगे स्थायी जगह मिल जाएगी, तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, है ना। जैसे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सरकारी जरूर क्योंकि जो हमारे ना जो रहने के लिए मतलब ये भी मिल जाए और कुछ खाने पीने के भी मिलनी जरूरी है। जहाँ हम रह भी रहे तो थोड़ा भविष्य भी तो मिलनी चाहिए। एक तो चार दिन के पानी तो जगह मिल जाए हमारे लिए तो रहने के लिए, खाई भी मिल जाए, थोड़ी बहुत जगह दिलवा दो बस। आप कोशिश करो सरकारी स्तर पे, पहले पंचायत स्तर पे जाके अपना नाम वगैरह जुड़वाओ, जो यहाँ की पंचायत है उसमें जाके अपना नाम जुड़वाओ, नगर पालिका है जो भी है उसके अंदर है, तो आप जाके अपना नाम जुड़वाओ। हो सकता है आपका आगे आगे भविष्य में आप इस तरह से रहोगे, आज ये जमीन आज नहीं तो कल हटना ही है यहाँ से, रोड आ जाएगा। अभी बाकी से रोड आ रहा है भोजपुर तरफ से, जैसे रोड बनते आ रहा है, रोड बनेगा तो 4 लेन रोड बनेगा, ये वाला तो आ जाएगा, तो यहाँ थोड़ी टिकेंगे हम। सही बात, फिर तो हमारे गाँव निकल जाएंगे। रोड आया जैसे हमारे को जिस दिन उठाने की बोल दी उठ के चल जाएंगे, और तो क्या है। और यह है कि हमारे पास थोड़ी बहुत जगह मिल जाए सरकार तरफ से, तो ये कहने का मतलब है। ऐसे तो सरकार ने काफी जगह दी है सब हमारे पब्लिक को, इधर भानपुर तरफ से भी सुखी सेवनिया में जगह दी। तो आपके समाज के और लोग वहाँ रह रहे हैं? हाँ वहाँ रह रहे हैं, सुखी सेवनिया में रह रहे हैं, सुखी सेवनिया में रह रहे, काफी दिन हो गए उनके लिए। अब वो समय पे हमने ध्यान नहीं दिया, पापा मम्मी ने पहले मिल रही थी जगह वहाँ, तो हमने ध्यान नहीं दिया, अब यही रहने लग गए, तो अब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो किराए से मकान मकान तो बारिश में तो रहेंगे अपन, खाएं खाएं बस, ये कहने का मतलब है। चलो ठीक है, आप कोशिश करो, हो सकता है आपको आगे जाके। ये भी भैया आपके साथ ही रहते हैं वाले भैया है। आप क्या बनाते हो? ये झाड़ू बनाने का काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? खरगोन जिला के।
खरगोन अपने मध्य प्रदेश में खरगोन जी, तो आप यहाँ पे इतना काम मिल जाता आपको कि आपका गुजारा चल जाए? हाँ चल जाता है गुजारा। तो कोई और परेशानी? बारिश धूप इनके बारिश से परेशानी होती ना? बस वही है परेशानी, परेशानी बारिश से होती है। तो ये झाड़ू बना के आप खुद बेचने जाते हो? खुद बेचते शहर में अंदर जाके, यहीं सिटी में भोपाल मंडीडीप ऐसे बेचने जाते हैं। कितने की बिकती है एक झाड़ू? 20 रुपए की। तो कितनी झाड़ू ले जाते होगे आप अभी? तो बनाने में अभी तो टाइम लग जाता है, एक दिन बनाने में लगता है, 100 झाड़ू बन जाती है एक दिन में, दूसरे दिन एक दिन बेचने में लग जाता है। तो आप बना के आप बेचने भी आप ही जाते? हम ही जाते, खुद बनाते और खुद बेचते। घर में आपके और लेडीज वगैरह ये भी तो करते हैं ना घर में? वो बनाने का काम वो करती होंगी? मतलब ये काम झाड़ू का ऐसा है कि जितने भी हम है घर में सारे सारे के सारे लग जाते, सबको अलग अलग काम मिल जाता है उसमें। ऐसा नहीं कि एक ही, एक दिन में आप कितनी झाड़ू बेच लेते हो? 100 झाड़ू। 100 झाड़ू एक दिन में बिक जाती है? बिकती नहीं है, बनती है, बन जाती है। उसके दूसरे दिन बेचते हैं। तो एक दिन बनाने में और एक दिन बेचने में लग जाता है। तो आप जब यहाँ से जाते हो तो पूरी झाड़ू एक दिन में बिक जाती है? हाँ बिक जाती ना, बेचते हैं फेरी लगा के बेचते हैं। बिकने से क्या? किस चीज से? गाड़ी से, बाइक वगैरह से? किससे जाते? बाइक से लेके जाते हैं। तो 100-200 झाड़ू में बांध के लेके जाना पड़ता होगा, इतनी कि आने आने का खर्चा भी निकले। हाँ इतनी झाड़ू तो ले जाना पड़ता है ताकि अपना बजट भी निकल जाए, अपनी मेहनत मजदूरी पेट्रोल सब सब निकल जाए। हाँ सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है आपको? लोन वगैरह मिला आपको? ऐसा कुछ नहीं मिला। विश्वकर्मा योजना के बारे में सुना है आपने? नहीं विश्वकर्मा के नहीं सुना। सरकार प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना चलाई है जो ऐसे ही लोगों के लिए जो कोई कारीगरी करते हैं, चाहे वो नाई हो या धोबी हो या आप मूर्ति बनाने वाले हो या आप सिलाई करने वाले हो या आप कोई भी ऐसी चीज बनाते हो, उसकी योजना की कभी किसी ने आपको बताया? नहीं बताया। आप आपका राशन कार्ड वगैरह कहाँ का है? गांव का ही है। यहाँ आपने कभी जाके पंचायत या नगर पालिका में मालूम करा इसके बारे में? यहाँ आधा एक अधिकारी आया था तो उसकी वजह से हमको राशन मिलता है आधार कार्ड से। अच्छा बंगरसिया में? बंगरसिया में आधार से राशन। तो आप उनसे मालूम करिए कि हमको एक योजना का पता चला है विश्वकर्मा योजना का। आप उनसे मालूम करना, आपकी बार वो आए तो आपसे, तो आप उनसे कहना कि हमें एक योजना के बारे में आप बताइए ताकि योजना का लाभ क्या है उसमें। आपको प्रधानमंत्री की तरफ से अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो आपको सिखाया भी जाएगा और आपको उसका लोन भी मिलेगा बनाने के लिए। जैसे आपने अगर एक लोन पास कर दिया, आपने भर दिया सरकार को वापस, तो अगली बार डबल होके मिलेगा आपको। हाँ अगर आपने डबल चुका दिया तो फिर वो 4 गुना होके मिलेगा। तो आपको उससे आपको काम करने में आपको मटेरियल आप ये चीज कहाँ से खरीदते हैं? बांस के ये खुद हम काट। योजना का फायदा मिलेगा ना जब आपके कागज यहाँ के कंप्लीट होंगे। आप उनसे जानकारी तो लीजिए मेरी बात सुनो। जैसे राशन कार्ड तो हम हाथों हाथ बनवा लेंगे, ऐसे सुनो गांव जाएंगे एक दिन में कटवा के राशन लिखा ना कटवा के ले आएंगे। फिर यहाँ भी तो हमारे को वो जो मिले जो भाई राशन हमारा हाथों हाथ बना सकते हैं वो भी तो हमारा, उसके लिए आपको पंचायत जाना पड़ेगा। जो यहाँ की पंचायत भवन है, जो यहाँ की नगर निगम नगर पालिका का ऑफिस है, वार्ड ऑफिस है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप इस बारे में पूरी जानकारी लेना कि हमको इस योजना का लाभ मिले। देखिए वो इन्हीं लोगों के लिए योजना चलाई गई है जो लोग इन कामों को कर सकते हैं। गांव में से तो हाथ पांव कटवा के ले आएंगे तो मिलने जाएगा राशन मिलने हमारे। अभी आप मुझे जो बता रहे हैं जो भैया आपको राशन दिलाते हैं, कब वो कब आते हैं आपको देने के लिए? वो यहाँ देने नहीं आते, महीने के महीने हमको जाना पड़ता है बंगरसिया में। तो आप बंगरसी अब की बार जब जाओ तब आप उनसे पूछना कि ना सरकार की कोई योजना है, क्योंकि अब चुनाव भी खत्म हो जाएंगे तो अब आपको बताएंगे कि भाई चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव का परिणाम आ जाएगा, तो उसके बाद वो आपको बता देंगे कि कब आप उस योजना में अपना नाम करा सकते हैं और कैसे उसको जाम जुड़वा सकते हैं। वो आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़की है अभी मेरी। अभी आपकी लड़की पढ़ रही है, स्कूल जाती है? छोटी है, 1.5 साल। तो देखिए अभी जब वो बड़ी होगी तो उसका सरकारी स्कूल में नाम लिखा जाएगा तो आपको उनको पढ़ाने में भी बहुत सुविधा हो जाएगी और सरकार की तरफ से उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको आपका पैसा भी नहीं लगेगा और बच्चा आपका अच्छी शिक्षा पाएगा। ठीक है तो आप अगली बार आप जरूर जाएंगे वहाँ पर। चलिए हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे शायद आपका काम बहुत जल्दी हो जाए। हमारी व्यवस्था करना, कोई परमिट वर्मट की खाने पीने की जितनी ज्यादा कोशिश होगी हम आपके साथ रहेंगे। रहने की देखो हम बताए तुम जब भी होना चाहिए कुछ ना कुछ जगह तो मिले। हमारे बड़े बड़े हमारे में कहीं हमको जगह मिले, घर मिलेगा तो हम कुछ भी फिर हमारे पैरों पे खड़े हो जाएंगे, काम धंधा मजदूरी, क्योंकि वो अपना खुद का करेगा। अभी यहाँ पे अपना कोई भरोसा नहीं है कि सरकार कब अपने को हटा दे। रोड बन रहा है, रोड चौड़ा होगा तो फिर अब हमें तो बच्चा बच्ची लेके कहीं ना कहीं बाहर रहना पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे हालातों में भी आप अपने आप में संतुष्ट हैं, आप मेहनत करके कमा रहे हैं।
अच्छे अच्छे लोग सरकार के ऊपर आश्रित हैं और सरकार को खड़े होकर गालियां बकते हैं कि वो हमें रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन आप रोजगार भी चला रहे हैं और सरकार से उम्मीदें भी नहीं है आपको, इसलिए आप कोशिश करिए, हो सकता है कि आपको सब समाधान निकलेगा आपका। मोहन यादव से यही कहना है कि हमारे को जगह मिल जाए, बस इतनी सी प्रार्थना है हमारी, तो हाथ जोड़ के उनसे। चलिए हम कोशिश, हमारी तरफ से जो कोशिश होगी हम करवाएंगे और आपके लिए जितना हो सकेगा हम वो करवा देंगे। हमारे बच्चे बच्ची के लिए छत्र छाया में रह जाए, बल्कि तुम जगह दिला दो, बनाना का काम हमारा, इतना सा कहना है। हम आपकी बात सरकार तक पहुँचाएंगे, हम आपकी जो वीडियो बनाएंगे आपके सरकार तक पहुँचेगा, हो सकता है आपका काम बहुत जल्दी हो जाए। जुगिया कम से कम 50-60 की जुगिया समथिंग है, अभी सब वोट डालने के लिए गए बेचारे, गांव गए सब, गांव गए हुए, ये सुबह सुबह आ गए 4 बजे। कोई सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, जो हमारा अधिकार है हम तो डालने गए हैं, सारे के सारे चले गए हैं, अपने जेब से लगा के गए। यही बात मैंने भाई साहब से भी बोली थी कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग घर से नहीं निकल रहे हैं वोट डालने, और आप यहाँ से इतनी दूर अपने गांव राजस्थान जा रहा है, कोई खरगोन जा रहा है वोट डालने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा संदेश है लोकतंत्र के लिए कि आप लोग देखें कि जो लोग अपने पैसे से इतनी दूर मजदूरी करने के बाद भी अपने शहर अपने गाँव जाके वोट डालते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो घरों में बैठने के बाद भी मतदान करने नहीं गए, जबकि सरकार ने बहुत कोशिश की मतदान करवाने के लिए। मेरी आप सबसे यही अपील है कि अभी जो बाकी के चरणों का मतदान है उसमें आप भारी संख्या में मतदान करें और अपने घर से निकलें, इन लोगों से प्रेरणा लें, जो लोग सरकार पर आश्रित नहीं होने के बाद भी सरकारी काम में किसी प्रकार की अड़चने खड़ी नहीं करते हैं, और मतदान उनका अपना पहला कर्तव्य निभाया है। इन्हें नाम बताओ अपना। कार्तिक। कार्तिक, अब गाना सुनाओ। मेरे खेत के लाल मेरा तत आएकार मेरी नाम जिद के दे ना दे या राम जंग चंद ऐ वाला वाला जय श्री राम मेरा। बोलो एक बार जोर से, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ये परिवार के आपके सभी लोग मिलके झाड़ू बनाते हो? जी। तो ये सामान कहाँ से लाते हो? अभी घास वगैरह इसका? इसका विदिशा से लाते हैं। विदिशा से? हाँ। उसका पैसा देते हैं आपकी, वैसे ही मिल जाता है आपको? किसान किधर रहता है तो पैसा भी देना पड़ता है, नहीं तो कोई किसान सही रहता है तो नहीं देना पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ लाके कैसे आते हो? ट्राली वगैरह से भर के लाते हो? हाँ, गाड़ी से लाते हैं। गाड़ी से लाते हैं। हाँ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? परिवार में तो 2 लोग हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। और ये बाकी सब लोग आपके? मम्मी पापा भाई बहन ये तो सब परिवार, पूरा एक परिवार है आपका। तो परिवार का खर्चा आराम से चल जाता है? हाँ, चल जाता है। कहाँ बेचने जाते हो आप ये झाड़ू? मार्केट में, भोपाल में। भोपाल में कितने की बिक जाती है झाड़ू एक दिन में? जैसे एक दिन में आप एक बार जाते हो तो आप कितने की बिक जाती हैं? वो तो अपने झाड़ू पे रहता ना कि कितनी झाड़ू लेते हैं। कितने की बेचते हैं आप एक झाड़ू? एक झाड़ू 20 रुपए की बेचते हैं। 20 रुपए की? तो एक बार में 100-200 झाड़ू बिक जाती हैं आपकी? हाँ, 100 झाड़ू तो लेके जाते हैं। 100 झाड़ू एक दिन में आराम से बिक जाती है। तो यहाँ पर ये इस घर के अंदर आपको परेशानी नहीं होती? बहुत परेशानी होती है। कभी सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली आपको? अभी तक कुछ नहीं मिला। पानी अनाज कहाँ से आता है आपका? पानी मेरा नगर निगम का टैंकर आता है। अच्छा, अनाज वगैरह अपन खुद खरीद? तो वो फ्री आपको देते हैं पानी की? पैसा लेते हैं आपसे? फ्री देते हैं पानी, फ्री देते हैं। हाँ। और अनाज वगैरह सरकारी योजना में कोई अनाज वगैरह मिलता है आपको? मिलता है पिताजी को। यहीं पे? नहीं, यहाँ पे नहीं, गाँव पे मिलता है। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? खंडवा जिले के। खंडवा के पास खरगोन? नहीं, खंडवा बराबर कालमुखी। कालमुखी? अच्छा, खंडवा के पास कालमुखी के रहने वाले आप लोग? हाँ। तो आपके आसपास वाले जो खरगोन का है, कोई कोई राजस्थान का है? नहीं, वो तो सब पास पास के ही हैं। आपके उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है, बड़े पापा है ना हमारे। अच्छा, वो बड़े पापा हैं आपके। और इसके अलावा और क्या काम करते हो आप? झाड़ू के 12 महीने सिर्फ झाड़ू? 12 महीने झाड़ू का करते हैं। तो आपको जैसे इतनी आमदनी हो जाती है, घर का खर्चा आराम से चल जाता है? चल जाता है ना, आराम से चल जाता है। कोई सरकार की तरफ से कोई आज तक आया आपसे बातचीत करने की भाई? कोई नहीं आया सुविधा के लिए? नहीं, नहीं आया कुछ नहीं। कोई सरकारी योजना बताई उन्होंने कि आप झाड़ू बनाने का काम करते हैं तो सरकार की कोई योजना जिससे आपको फायदा और आपका माल भी ज्यादा बिके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। विश्वकर्मा योजना के बारे में किसी ने बताया आपको? नहीं बताया ना। एक विश्वकर्मा योजना है, सरकार ऐसे कारीगरों के लिए योजनाएं चला रही है जिससे आप जो भी चीज बना रहे हैं वो आपको सिखाएंगे भी और आपको लोन भी मिलेगा उसके ऊपर बैंक की तरफ से, और वो लोन आप चुका देंगे तो आपको डबल होके भी मिलेगा। आपको किसी ने ऐसा बताया आज तक? नहीं बताया। कभी आपने पंचायत में या नगर पालिका में जाके मालूम करा? नहीं, नहीं करा। आपके यहाँ, जहाँ आप खंडवा के पास रहते हैं वहाँ कभी किसी ने गांव में आके बताया और योजनाओं के बारे में? नहीं बताया। अगर ऐसी कोई योजना आपके पास आती है तो आपको फायदा मिलेगा तो आप उसमें उस योजना का फायदा उठाएंगे? उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। अभी आपका राशन कार्ड या यहाँ का कोई ऐसा पहचान पत्र वगैरह बने, मतदाता परिचय पत्र वगैरह?
भोपाल के? यहाँ भोपाल के तो कुछ नहीं बनाया। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 18 साल से। 18 साल में आपने अभी तक कोई कागज यहाँ के नहीं बनवाए? जब गांव के ही सब अपने जो भी गांव के ही चल रहे हैं। अभी वोट डालने गए थे आपके खंड में? नहीं, अभी तो आप वहाँ डल ही नहीं रहे। कब डालेंगे आप? जाओगे? 15 तारीख के लिए। 15 तारीख को जाओगे? सभी लोग जाएंगे वोट डालने वहाँ पे? हाँ, जिन जिनका नाम है वो सब जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2। स्कूल जाते हैं क्या बच्चे? नहीं, स्कूल जाने लायक ही नहीं। अभी ये छोटे छोटे से हैं, बड़े होंगे तो उनके स्कूल भी भेजोगे ना? भेजेंगे तो उनका भी। तो सरकारी स्कूल में अगर नाम लिखाओगे तो आपको सरकारी का फायदा मिलेगा ना आपको? जी। ना उनकी फीस लगेगी आपको, ना अच्छे स्कूल में पढ़ भी सकेंगे बच्चे। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार की तरफ से कोई उम्मीद है आपको कि सरकार आपको मदद कर रही है या कुछ ऐसी कि आपको इस चीज का फायदा मिले? उम्मीद कैसे लगाएंगे, अभी तक कुछ मिले ही नहीं तो क्या उम्मीद लगाएं? तो आप सरकार के पास कभी आप भी तो नहीं गए ना? आपने यहाँ आके कभी सरकार के पास जाके उनका दरवाजा नहीं खटखटाया? सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ? कोई सर, हम ही थोड़ी है खटखटाने वाले, हम ही थोड़ी है खटखटाने वाले। 1000 पब्लिक है, गाँव कैसा है क्या है, गाँव की उन्नति का कुछ हमको मालूम है कि गाँव में उन्नति होने देते नहीं। आप 18 साल से यहाँ रह रहे हैं, 18 साल में कभी आप यहाँ नगर पंचायत गए? नहीं गए। किसी पंचायत का कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति सर्वे करने आया, उसने आपसे पूछा आज तक आके? नहीं, कोई आया ही नहीं ना पूछने के लिए, हमें पड़े हैं तो पड़े हैं। जबकि आप जिस जगह से रहते हैं यहाँ से रोज कम से कम 100 गाड़ियां गुजरती होंगी और लोग भोजपुर जाने वाले 1000 लोग आपको देखते होंगे, कभी किसी ने आके आपसे पूछा आज तक? नहीं पूछा ना। कोई विधायक, मंत्री या नगर पालिका का या सरपंच कोई भी आके नहीं आया आज तक? नहीं आया, कोई नहीं आया। तो आप निगम वाले एक बार आए थे तो ये झुग्गियां हटाने की बोल गए, बस वही है। तो ये रोड चौड़ा होगा तो उसके लिए उनको ये झुग्गी हटाना ही पड़ेगी? हाँ। उसके बाद उन्होंने आपको बोला कि कहाँ जगह देंगे? कुछ नहीं बताया। अभी उन्हें ये नहीं पूछा आपसे कि आप यहाँ से हटाने के बाद आप कहाँ जाओगे? नहीं नहीं पूछा ना, पूछा ही नहीं। कोई सर्वे वगैरह करा? आपका नाम वगैरह लिखे लेगा? नहीं, सर्वे कुछ नहीं, कोई नहीं करा। हाँ। गांव और राजस्थान से आके यहाँ पे मजदूरी करने वाले मजदूर वर्ग के लोग जो बिना किसी सरकारी सुविधाओं के यहाँ पिछले 18 साल से रह रहे हैं और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं बिना किसी सरकारी सुविधाओं के, बिना किसी सरकारी आश्वासन के, ये एक मिसाल है आम जीवन जीने वालों के लिए जो सरकारी उम्मीदों की और मुंह ताकते हैं और सरकार से उम्मीदें रखते हैं कि हमें हर प्रकार की सुविधा मिले, जबकि इन लोगों को सरकार से कोई सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है और ये अपने जीवन यापन के लिए स्वयं ही कमाते हैं और स्वयं ही खर्च उसका व्यवस्था बिठा रहे हैं। हमारी सरकार से ये निवेदन है, कोशिश रहेगी हमारी कि सरकार इन लोगों की सुध ले और इनके विषय में सोचे ताकि इनका जीवन स्तर भी थोड़ा ऊँचा उठ सके और ये भी अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य प्रदान कर सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं अमित हयारन, द खबरदार न्यूज़ के लिए। नमस्कार।